हरियाणा के पंचकुला इलाके में मोरनी इलाके में एक लड़की के साथ 40 लोगों के बलात्कार करने की घटना सामने आई है, जिसके बाद हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, ये मुझे बताइए कि 40 लोगों ने जो बलात्कार की घटना हुई है, इस तरह की कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है बड़ी दर्दनायक है, निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस किस्म की घटना हुई है। लेकिन कानून व्यवस्था का जान सवाल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। अपराधी जो हैं अपराध करते हैं और खुला घूमते हैं, डाके मारते हैं, कहीं पेट्रोल पंप लूटा जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं सरकार अभी कानून व्यवस्था कायम नहीं कर सकी है। और जब तक प्रदेश में कानून व्यवस्था न कायम ना हो, अपराध उसी हिसाब से बढ़ जाता है। आज हरियाणा में अपराध नगरी बन चुकी है। सर, एक सवाल और भी है, उस लड़की ने कहा है कि 4 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है कि 4 दिन तक एक लड़की के साथ 40 लोग बलात्कार करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है और इतना निंदनीय है, ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हुड्डा साहब का कहना है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस मामले के सभी आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।